ओ यारो, हमारे बाइस टाउन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तुम लोग उस घटिया ग्रैनी को तो जानते ही होंगे। पिछली बार क्या हुआ था तुम्हें याद तो है ना? उस ग्रैनी को मैंने कितना कूट कूट के मारा था। बस उसी का बदला लेने के लिए वो वापस से बाइस टाउन आ गई, लेकिन अकेले नहीं, अपने बहुत सारे रोबोटों को लेके। और उन रोबोटों ने पूरे बाइस टाउन की हालत खराब कर दी और हमारे मिलिट्री बेसों पे भी कब्जा कर लिया है यार। अबे घटिया बाइक, मैं तेरे को छोड़ूंगा ना, लेकिन अभी बहुत मजबूरी है। ओए टिप्सन टिप्सन, तेरे को मालूम है वो ग्रैनी बाइस टाउन में आ चुकी है। ग्रैनी क्यों? मेरे को ना मालूम, लेकिन वो अब बहुत बुरे बुरे हालात कर रही है। अपने बाइस टाउन के सारे मिलिट्री बेसों पर कब्जा कर लिया। कुछ कर, अब तो सिर्फ एक ही इंसान है, ईविल नन। यारों, ईविल नन ही हमारी मदद कर सकती है इस ग्रैनी से निपटने में, क्योंकि तुम लोग तो जानते हो ग्रैनी और ईविल नन दोनों ही एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। अगर हम लोग ईविल नन से मदद मांगेंगे तो वो ज़रूर हमारी मदद करेगी। तो चलो यार, फटाफट से चलते हैं ईविल नन के पास और उससे मदद मांगते हैं। वैसे तुम लोगों को वाकई में लगता है ईविल नन हमारी मदद करेगी? दोनों की दोनों चुड़ैल नहीं है कतई। पता नहीं क्या होगा हमारे बाइस टाउन का, सारे के सारे लोग हमारे बाइस टाउन में ही आके गए अकेले। बस गए, एक तो ये बाइक, अगर मेरे को बहुत जल्दी ना होती ना तो सबसे पहले तो इस बाइक की पुंगी बजाता। खैर छोड़ो, हम लोगों को जल्दी से कसिनो में जाना होगा, कसिनो के पीछे। यारो, तुम लोग ईविल नन से मिलना चाहते हो, तुम लोग देखना चाहते हो कि ईविल नन कहाँ पर रहती है, तो मैं तुम लोगों को दिखा के लाता हूँ कि ईविल नन कहाँ पर रहती है। तुम लोग है ना बस चुपचाप से इस कसिनो के इधर आ जाना, ठीक है ना? कतई पहले नंबर तो बाइक तो ठीक से चल रहा है, वो थोड़ा आगे चल। ये देखो, ये कसिनो तुम लोगों को दिख रहा है, कतई कसिनो के पीछे है ईविल नन। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, कतई यहाँ से तुम आगे बढ़ो। अबे नहीं, बाइक के साथ मैं गिर गया। मेरे को लगा रास्ता बना होगा, पर यहाँ पर तो कोई रास्ता ही ना है। थक गया यार मैं तो, जल्दी से निकलो यार यहाँ से, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यारों, यही जगह है जहाँ से तुम लोगों को ईविल नन मिल सकती है, कतई तुम लोग यहाँ पर आ जाओ। ये देखो, अब यहीं पर तुम लोगों को ईविल नन मिलेगी। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ईविल नन से मिलना इतना आसान नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो अपने रिक्शे पर रहियो। ईविल नन तू तो जानती है बाइस टाउन में वो ग्रहणी आ चुकी है, कतई पूरे बाइस टाउन को तहस नहस कर दिया। कुछ कर, मेरी मदद कर ईविल नन उस घटिया ग्रहणी से लड़ने में। क्या? ओ अच्छा, ठीक है ईविल नन। यारो, ईविल नन ने कहा है कि रो पिरो, वो ग्रैनी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, अगर उससे लड़ना है तो सिर्फ एक ही तरीका है जिससे हम लोग उसको हरा सकते हैं, और वो है मिलिट्री बेस। हम लोगों को बाइस टाउन के अंदर बहुत सारे मिलिट्री बेस बनाने होंगे, जो वो मिलिट्री बेस उस घटिया ग्रैनी की पुंगी बजा देंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को मिलिट्री बेस बनाने के लिए एक रोबोट चाहिए, वो भी बाइस टाउन का सबसे ख़तरनाक रोबोट, मतलब बिग बॉस। तुम लोग तो जानते हो बिग बॉस बाइस टाउन का सबसे ख़तरनाक रोबोट है। हम लोगों को बिग बॉस के पास जाना पड़ेगा और उससे मदद मांगनी पड़ेगी। बिग बॉस प्लीज़ यार, मेरे साथ मिल जाइए। तुम लोगों को क्या लगता है, बिग बॉस हमारी मदद करेगा? नहीं यार, बिग बॉस बहुत ही ज़्यादा घटिया रोबोट है, कतई वो हमारी मदद कभी नहीं करेगा। लेकिन मैं जानता हूँ मुझे करना क्या है। चलो यार, फटाफट से इस कार में बैठ जाते हैं और चलते हैं उस घटिया ईविल नन के, उस घटिया बिग बॉस रोबोट के पास है। बिग बॉस रोबोट, अरे रे, नाम सुनकर ही डर लगता है उसका तो। जो भी हो, जल्दी से चलते हैं। यारों, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, हम लोगों को सबसे पहले जाना होगा उस सिनेमा हॉल की बिल्डिंग में, वहीं पर हम लोगों को मिलेगा बिग बॉस। और मैं तुम लोगों को एक और बार बता दूं, ये वीडियो का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई सा भी पार्ट नहीं है, ये वीडियो का कौन सा पार्ट है, ये है 15वां पार्ट। अबे यार, सारे के सारे पार्ट तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाकर देखो यार। मैं जब तक उस घटिया बिग बॉस को लेके आता हूँ, लेकिन ये पागल कार, अगर मेरे पास टाइम होता तो सबसे पहले कार की पुंगी बजाता। खैर छोड़ो, जल्दी से चलो यार सिनेमा हॉल की बिल्डिंग में, हम लोगों को किसी भी हाल में उस बिग बॉस को, उस घटिया बिग बॉस को लेकर आना ही होगा। वो देखो, वो रहा सामने अपना सिनेमा हॉल की बिल्डिंग। चल रोपीरो, जितनी भी पावर है कतई चल, अगर आज तू नहीं गया और बिग बॉस को नहीं लाया तो बाइस टाउन का सर्वनाश हो जाएगा, कतई लंका लग जाएगी। यार तुम लोग तो जानते हो वो ग्रैनी कितनी ज़्यादा पावरफुल है, वो हमारी पुंगी बजा देगी, कतई सब लोगों को बाइस टाउन से बाहर निकाल देगी। हाँ, एक दो तीन,
बच गया, चलते हैं अंदर, जाऊं क्या, डर लग रहा है। बिग बॉस देख, मैं तेरे साथ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन अगर तू मेरे को मारेगा तो मैं भी तेरे बहुत मारूंगा, कतई शुगर लचा दूंगा, सही बता रहा हूँ तेरा, मैं बता रहा हूँ। अबे भैया सॉरी यार, मेरे गलती से लग गई। अबे यार ये तो बहुत तगड़ा इंसान है, मतलब रोबोट है। बिग बॉस मेरी बात तो सुन यार, ऐसे कतई सिर्जियों की तरह पीछे ना लगते यार, मेरी बात तो समझ, मेरे को बस तेरी थोड़ी सी मदद चाहिए यार, थोड़ी सी मदद कर दे। अबे ये तो बिल्कुल ना कर रहा, आया लग गई जोरों की, पागल बिग बॉस तेरी तो ऐसे कम तेती यारो। ओ शिट, इसने तो रॉकेट लॉन्चर निकाल लिया। बाब ओ बच गया, अगर जो मेरे लगता मेरे माथे पे फूटता तो मैं इसकी पुंगी बजा देता, सही बता रहा हूँ। अबे टीन के डिब्बे, रुक तेरे को इससे मारूंगा। वाकई में इसका मुकाबला किसी से नहीं कर सकते, अब क्या करूं, तुम लोग ही कुछ बताओ यार, कोई रास्ता, मैं क्या करूं इस घटिया बिग बॉस का, ये तो मेरी बात मान ही नहीं रहा है। अबे निकल जाए इधर से, अय्या जोरों की लग गई। अबे भैया मान जा भैया प्लीज बिग बॉस, हाँ इसने तो थका दिया मेरे को। अय्या कितनी जोर जोर की घूम रहा है, पागल हो गया है क्या। ओ यार भाग लो यार इधर से, आखिरकार अपन लोगों ने बिग बॉस से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, इसलिए बिग बॉस मान गया, और है ना अब हम सारे के सारे रोबोटों की पुंगी बजा देंगे जो यहाँ पर रहते हैं। मेरे को ग्रीन ट्रांसफॉर्मर दिखा, वो ग्रीन ट्रांसफॉर्मर भी उस ग्रैनी का साथ दे रहा है, सबसे पहले तो उस ग्रीन ट्रांसफॉर्मर की पुंगी बजाऊं, लेकिन मैं जाऊं कहते यार, मेरे को तो ये बाइक चलाने ही नहीं आती रोबोट वाली। ओए ग्रीन ट्रांसफॉर्मर भाग गया लगता है, कोई बात नहीं, मिलिट्री बेस में तो होगा ना, मिलिट्री बेस में चलते हैं, और जितने भी सोल्जर और रोबोट वहाँ पर मेरे को मिलेंगे उनकी पुंगी बजा दूंगा। तो चलो यार सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं और चलते हैं। आ रहा हूँ मैं ग्रैनी, कतई तेरी ऐसी की टैटी करने के लिए आई। कहाँ गई ग्रैनी, यहाँ पर तो कहीं ग्रैनी है भी ना। यारों जल्दी से निकल, मेरे को तो भैया डर लग रहा है बहुत जोरों की, अगर वो ग्रैनी इधर आ गई तो पता ना मेरा क्या करेगी। वैसे भी ये मेरा इलाका नहीं है, ये मेरा इलाका था, लेकिन लेकिन उस ग्रैनी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे को इस मिलिट्री बेस पर वापस से अपना कब्जा करना होगा, वरना हमारे पास कोई भी मिलिट्री बेस ना रह जाएगा, एक लौता मिलिट्री बेस है वो भी उस ग्रैनी ने कब्जा करके रख रखा है। अबे घटिया सोल्जर हो तुम्हारी ऐसी के तैसी, मेरे को बेफालतू में मार रहे हो, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी है, निकलो इधर से पटापट से। यारो ये तो बिल्कुल गुस्सा मान गए, अरे रे ये तो बुरा मान गए। अरे भैया सॉरी यार, मैं तो ऐसी मजाक में मार रहा हूँ यार, तुम लोगों के नाराज थोड़ी ना होते हैं, भाई लोग यार अपन लोग, तो इन लोगों को ऐसे कतई चकमा दे के ना इनकी पुंगी बजा दूंगा। अब यार पर मेरे को एक बात समझ में ना रही, ये ग्रैनी कहाँ गई, ना यहाँ पर कोई रोबोट है और ना कोई ग्रैनी है। अरे अगर जब ग्रैनी नहीं है तो फिर बाइस टाउन पर अटैक किसने किया था, लगता है ग्रैनी टुपक के बैठी है मेरे से। जो भी हो वो भी जानती कि ये बिग बॉस है, बहुत पावरफुल रोबोट, कोई भी मेरे से बच नहीं पाएगा। अबे हेलीकॉप्टर, ये घटिया हेलीकॉप्टर के डर से आ गया, इसकी तो ऐसे के जैसे भैंस की आँख, निकल गया। अबे तुम भी निकलो इधर से फटाफट से, निकल गए सोल्जर भी, और कोई है क्या यहाँ पर, और तो कोई दिख ना रहा है, बस ये पुलिस वाले जरूर हैं, इन पुलिस वालों की तो गाड़ी फोड़ दूंगा, गई पुलिस वालों की कार, और कोई है क्या, इनको भी सतही, निकलो इधर से। ओ यारों ये देखो आ गया पुलिस ट्रांसफॉर्मर, पुलिस ट्रांसफॉर्मर की तो ऐसी की तैसी, सबसे पहले तो इस मिलिट्री के टैंक की पुंगी बजानी पड़ेगी, ये मिलिट्री का टैंक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये तो तुम लोग भी जानते हो। कल मेरी पुंगी बजा दी इसने तो, हो अबे टिप्तान हम पूरी की पूरी जंग हार चुके हैं, वो ग्रैनी जीत गई। इविलन रो पीरो तू फिकर मत कर, मैं जानती हूँ कि तू हार चुका है, लेकिन अब मैं उस ग्रैनी से खुद लड़ूंगी और उसके पुंगी बजा दूंगी, तू जा। मैं जाऊँ, आखिरकार अब ईविल नन अगर लड़ाई में उतर पड़ी है तो तुम लोग जानते कि कौन जीतेगा, ईविल नन, क्योंकि ग्रैनी से भी ज़्यादा पावरफुल ईविल नन है। या आखिरकार यारों मैं तो बहुत थक गया, पिटने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है, तो कहते मैं सो जाऊंगा यार, घर पे आके बैठ ही नहीं आई, तो चलो यार घर पे चलते हैं। वैसे भी यार 400-500 मिशन करने के बाद नींद बहुत जोरों की आ रही है, तुम लोगों ने मेरी सारी वीडियो देख रखी है क्या। ग्रैनी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, वो रहा ग्रैनी का मिलिट्री बेस, वैसे ग्रैनी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं उसका अकेले सामना नहीं कर सकती, इसलिए मुझे किसी और का भी साथ चाहिए। ग्रैनी तू क्या है इस मिलिट्री बेस में, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं क्या। वाह ये देखो इतने सारे सोल्जर, मैं अगर अंदर गई तो वो भी मेरा पुंगी बजा देंगे, अब तो सिर्फ एक इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, आयरन मैन, मैं आ रही हूँ। आयरन मैन किधर है, वो आयरन मैन
यहाँ पर तो कोई भी आयरन मैन नहीं है। आयरन मैन, यहाँ पर आयरन मैन किधर रह गया? ये आयरन मैन, मुझे लगता है आयरन मैन की सिटी जाना होगा। ठीक है आयरन मैन, मैं आ रही हूँ तेरे घर पर। आयरन मैन, वैसे आ रहा हूँ, तुम लोग तो जानते हो ये 15वां पार्ट है और सारे के सारे पार्ट डिस्क्रिप्शन में है, तो फटाफट से उन्हें भी जाकर देखो क्योंकि वो भी कितनी मस्त पार्ट है। ठीक है ना, तो गुड डे आ रहा हूँ, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड डे आ रहा हूँ। और अगर तुम लोगों ने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा तो ये भी देखो यार।